आज हम नकल जॉइंट के बारे में समझेंगे। पिछली क्लास में हमने गिब एंड क्वार्टर जॉइंट लगाना सीखा था, असेंबल करना सीखा था। आज हम नकल जॉइंट की बात करेंगे। नकल जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट द टू रॉड्स, राइट? अगर हमारे पास कोई दो रॉड्स हैं और उन्हें हमें जॉइन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? नकल जॉइंट का यूज कर सकते हैं, है ना, प्रयोग में ले सकते हैं। अच्छा, ये कैसी होनी चाहिए, कौन साइड होनी चाहिए, इन दोनों शाफ्ट के एक्सिस कैसे होने चाहिए एक दूसरे से, कौन साइड, जैसे ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, तो इनके ये एक्सिस कौन साइड होने चाहिए, है ना, दोनों के बिल्कुल एक दूसरे से कौन साइड हो एक्सिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसी दो रॉड्स में हम नकल जॉइंट आसानी से लगा सकते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रयोग में होता है, देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली में हम यूज करते हैं इस नकल जॉइंट को, है ना, टाई रॉड पे यूज करते हैं गाड़ी में, है ना, रूफ पे, ट्रस्ट पे, रूफ ट्रस्ट पे यूज करेंगे। अब बिटवीन द लिंक्स यूज करेंगे, सस्पेंशन सिस्टम में, सस्पेंशन ब्रिजेस के जो सस्पेंशन होते हैं बड़े बड़े ब्रिजेस के, वहाँ हम यूज करते हैं, है ना, स्टेयरिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो नकल जॉइंट बहुत जगह मैकेनिकल एप्लीकेशन में बहुत जगह प्रयोग में लिया जाता है। तो नकल जॉइंट एज अ पिन जॉइंट, इसको हम क्या कह सकते हैं, इज अ पिन जॉइंट, पिन जॉइंट भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जैसा कि हमने वहां देखा था, है ना, ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो एंड्स बनाएंगे, ठीक। दो एंड्स कैसे होंगे उनको अभी बात करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एंगुलर मूवमेंट भी रहेगा, ना, इसमें हम थोड़ा बहुत एंगुलर मूवमेंट भी दे सकते हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, है ना, पूरा 90 पे तो नहीं बेंड कर सकते, बट 1-2 डिग्री इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक। इसमें कॉलर और टेपर पिन भी यूज करेंगे हम, कैसे करेंगे अभी देखते हैं, समझते हैं उसे। देखिए ये डिटेल ड्राइंग किसकी है, नकल जॉइंट की, नकल जॉइंट की ये हमने डिटेल ड्राइंग आपको वो क्वेश्चन में देगा, है ना, फिर उसमें आपसे पूछेगा कि आप इसको असेंबल करिए, उसके बाद आपसे व्यू बनवाएगा, इसकी सेक्शनिंग करके फ्रंट व्यू पूछ लेगा, टॉप व्यू पूछ लेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, कुछ भी पूछ सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो पूछेगा, फिर वैसे आपको वो ड्रॉ करना होगा, है ना। तो ये डिटेल ड्राइंग क्वेश्चन में वो देगा, प्रॉब्लम में देगा, ठीक। तो अब ये देखिए, ये मैंने फ्रंट व्यू दे रखा है इस फोर्क का, है ना, ये फोर्क दे रखा है, तो एक एक रॉड पे कुछ ये फोर्क होगा, है ना, और इसका अगर मैं टॉप व्यू की बात करूँ, इस फोर्क के टॉप व्यू की बात करूँ, तो ये इसका टॉप व्यू है, ये देख रहे हैं, है ना। अब दूसरा फोर्क क्या रहेगा, दूसरे फोर्क की अगर मैं बात करूँ, तो ये देखिए ये दूसरा फोर्क है इसका, ये वाला इसका फ्रंट व्यू दे रखा है ना, ये इसका टॉप व्यू दे रखा है, ठीक। ये क्या है, पिन दे रखी है उसमें, ठीक है, ये यहाँ कुछ होल होगा, ये पिन दे रखी है, ये कॉलर है, ठीक, ये टेपर पिन है, ठीक। तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, है ना, इनको कैसे असेंबल करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखते हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस एक फोर्क एंड को इस वाले फोर्क एंड से दूसरे फोर्क एंड से कोइंसाइड करके हम क्या करेंगे, कोइंसाइड करके इस पिन को हम उसमें इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। चलिए, ये मैंने दोनों एक ही जगह ले ली है ना, ड्राइंग में मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े स्लाइड पे, इसलिए ये मैंने एक ही जगह पेस्ट कर ली है ना। देखिए इसको कैसे समझेंगे, यहाँ हम समझ सकते हैं इजिली। अब मुझे ये व्यू बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये व्यू बनाना है ना, तो इस व्यू को बनाने के लिए जैसा कि हमने गिव एंड क्वार्टर जॉइंट में किया था, अब वो प्रॉब्लम में दे देता है, उसने ये डिटेल ड्राइंग दे दी सारी, अब वो प्रॉब्लम में कह रहा है कि हमें सेक्शनल व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू नकल जॉइंट का, तो मैं क्या करूँगा, ये सारी डायमेंशंस मेरे पास है ना, तो ये आपका फोर्क एंड बन जाएगा इस शाफ्ट का, और ये सारी डायमेंशंस मेरे पास है, तो ये वाला फोर्क एंड बन जाएगा इस शाफ्ट का, है ना। इन दोनों को मैं कोइंसाइड करूंगा और इसमें क्या करूंगा, इस पिन को इंसर्ट कर दूंगा। आप इस पिन में नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे, ये एक होल है ना, तो इस कॉलर को मैं इस होल से कोइंसाइड करते हुए, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये कॉलर है ना, यहाँ मैं ये छोटी वाली टेपर पिन इंसर्ट करा दूंगा, ठीक है, तो ये जॉइंट बन के मेरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी मुझे क्या ध्यान रखना है, मैं अंदर से बाहर की तरफ ड्रॉ करूँ, है
है ना, जब मैं असेंबली करूं तो अंदर से बाहर की साइड, ठीक। तो सबसे पहले मैं ये पिन बनाऊंगा, जैसे गिब और क्वार्टर के जॉइंट में हमने क्या किया था, अंदर से स्टार्ट किया था, है ना। तो ऐसे ही इसमें सबसे पहले हम ये पिन बनाएंगे, फिर ये फोर्क बनाएंगे, ठीक, फिर ये वाली शाफ्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम टॉप व्यू बनाएंगे, ऊपर से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो ये टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ से साइड व्यू बनवा रहा है तो यहाँ से देखकर हम साइड व्यू बनाएंगे, है ना, जैसा हमने गिव और क्वार्टर जॉइंट में बनाया था एग्जैक्टली हमें वैसा ही करना है। बस इसमें शेप और साइज डाइमेंशंस चेंज हो गई, बाकी वही है एज इट इज, असेंबली वही है। अगर वो कह देता है कि हमें फ्रंट व्यू बनाना है, प्रॉब्लम में वो ये देगा, अगर वो कह देता है फ्रंट व्यू बनाना है बिना सेक्शनिंग के, ना वो सेक्शनिंग नहीं करा रहा है, तो कुछ फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा, ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला, ठीक। जनरली फ्रंट व्यू में वो सेक्शनिंग करवाएगा, टॉप व्यू में नहीं कराएगा, और हो सकता है साइड व्यू में भी ना कराएगा आमतौर पर, ठीक। चलिए तो इसमें इसमें हम आपकी कोई क्वेरी हो तो पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम समझेंगे। इतने पोर्शन में अगर कोई क्वेरी है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं।